ड्राइवर ने कहा कि मैं इधर रोकता हूँ वीडियो से पिक्चर बनाने। तो बड़ा अच्छा है ये व्यू। अब अपने फोन से बनाने लगा। वापस पाकिस्तान जाते हुए भी हम लोगों को देखे रास्ते में ईरानी बंदा मिल गया। चलो चाकी बैठ गए हैं हम लोग टैक्सी में और एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं हम, अभी हम निकल रहे हैं। हाँ जी, फ्लाइट हमारी 7 बजे की, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ स्नैप और वो सब कुछ बंद हो जाएगा। मिलती है नहीं मिलती, हमें आइडिया कुछ नहीं, इसलिए हम बिफोर जा रहे हैं कि उधर जाके हम वेट कर लेंगे, रेस्ट करेंगे। टैक्सी में बैठ गए और घर जाने की तैयारी, बैक टू पाकिस्तान। ये देखें जी, ये है आज़ादी टर्मिनल जी, यहाँ पे हम नहीं आए थे। आज़ादी टावर, यहाँ पे हमने तस्वीर नहीं बनाई। ये जी हम इस टाइम आज़ादी टावर में हम काफ़ी दफ़ा आए थे हम इधर, आपको पता है, साथ आज़ादी टर्मिनल पे चलो उस वक्त तबरेज़ जाने के लिए। लेकिन अभी ड्राइवर ने कहा कि मैं इधर रोकता हूँ वीडियो से पिक्चर बनाने। तो बड़ा अच्छा है ये व्यू। अब अपने फोन से बनाने लगा। वापस पाकिस्तान जाते हुए भी हम लोगों को देखे रास्ते में ईरानी बंदा मिल गया। चलो ये जी प्रॉपर व्यू इसका, ये देखिए, ये इनका आज़ादी टावर है, फेमस टावर है। 3-4 दफ़ा आए लेकिन हमने बनान से के, लेकिन चले जाते जाते आपको हमने करवा दिया इसको भी। चलेंगे हम बैठ गए किया जी। हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल और एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पे। हाँ, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर ने हमारे से पैसे भी नहीं लिए। हाँ, हम सोच रहे थे कि अगर हमें मेट्रो मिल जाती तो ये सेविंग हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं पैसे लिए हमसे। वो कहता हम मेहमान हो हमारे। तकरीबन 1,35,000 बना था, लेकिन वो नहीं ले रहा था। 3-4 दफ़ा उसको कहा नहीं, तो वो कहता नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपने मुझे कॉल करनी, फिर हम इकट्ठे घूमेंगे, मैं आपको घुमाऊँगा। तो जैसे हमें यहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं, फैमिलीज मिली हैं, ईरानी लोग बड़े अच्छे मिले हैं। तो आपको ना ये सारी पूरी डिटेल से एक वीडियो बना के बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और अब हम पाकिस्तान जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम तो यानी कि खुश हैं, बच्चों से मिलना नहीं है तो खुश नहीं है, क्या मतलब खुश नहीं है, खुश हैं। तो चले चलते हैं अंदर, आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं यहाँ का। अभी काफ़ी टाइम है हमारी फ़्लाइट में, तो हम एयरपोर्ट जल्दी आ गए क्योंकि फिर बाद में टैक्सीज़ भी बंद हो जाएंगी और स्नैप भी नहीं चलेगा, मेट्रो भी बंद हो जाएगी, इसलिए फिर हम अभी आ गए हैं। हाँ जी, ये है जी, आपको करेंसी दिखा रहे हैं हम। ये क्या नाम है, ईरान की है, 1000 रियाल, यानी कि ये 1 रुपया है, ये देख लें। उसके बाद ये 2000 रुपया, यानी कि 2 रुपये ये, ठीक है। उसके बाद जी 2000 वही ना, 2 रुपये कह लें या 2000 कह लें इसको। ये है जी 5000, 5 रुपये ये नहीं, ये 50 है, 1000 लाख। हाँ, 50,000 है नहीं, 50 रुपये ही है, पता नहीं मुझे क्या पता हो, 50 रुपये ही है। हाँ, 50,000 है ये, 50 रुपये है ये, 50 लाख रुपया जी। ये 5 लाख रुपये का नोट है। आगे चलें जी, ये है जी 10 रुपये का, 10,000 इसको कहते हैं, लेकिन 10 रुपये होता है ये। उसके बाद आपको है जी 10 लाख। हाँ, ये 1 लाख का जी नोट, ठीक है, ये 1 लाख हो गया। 100 रुपया। हाँ, और 100 रुपया कहलाता है ये। चलो पूरे हो गए, चलो पूरे हो गए। अभी हम बैठे हैं एयरपोर्ट पे। ये है जी ईरान का एयरपोर्ट, तेहरान का एयरपोर्ट। और यहाँ से हम जा रहे हैं ज़ाहेदान बॉर्डर पे। काउंटर ओपन हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। काउंटर ओपन हो गए, चले चलते हैं फिर। हो गया हमारा, अभी बोर्डिंग करवाते हैं तो फिर बताते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। अभी हम फ्रेश हो गए हैं, देखें दाढ़ी वाली सेट हो गई, शेप शेप कर ली, क्योंकि हम रात को यानी कि लेट नहीं, जल्दी आ गए थे एयरपोर्ट पे। अभी फ्रेश हो गए, बोर्डिंग सारा कुछ हो गया हमारा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 6:25 हुए हैं, एंड शायद 10-15 मिनट तक फिर हम प्लेन की तरफ जाएंगे। तो बाकी जैसे अब आपको एक तो चीज़ें और बतानी है कि वापसी पे क्या मसला होता है या नहीं होता, ये वापसी पे बताएंगे। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, इजी है सीन सारा। भूख लगी हुई है, वो जहाज में खा लेंगे अभी। उधर वैसे तो आप पता है बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई इधर के खाने से। तो कर रहे हैं अभी घर पहुँचेंगे तो घर पहुँचने से पहले फ़ोन कर देंगे कि खाना बना आते ना हमारे लिए। पाकिस्तानी घर की रोटी खाऊंगी मैं तो। मैं तो यहाँ की ना चेक वाली रोटी देख के खा के ना तंग आ गई। और अपने घर जाके दूसरी साथी, वैसे हाथ की रोटी हमें 1-2 मिली है घर पे, लेकिन सही तरह उस तरह नहीं हमने खाई बस। लेकिन चल, वो आपको पता ट्रैवलिंग में फिर यही चीज़ें होती हैं, आपको अपना खाना नहीं मिलता, आप डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। तो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ठीक है वो उनका अपना एक कल्चर है, उस हिसाब से वो खाते हैं। शायद इसलिए वो, अगर हमारे आए पाकिस्तान में तो शायद ये खाना उनको पसंद ना हो गए, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाते, बहुत स्पाइसी कम ही होता है उनका। तो अच्छा है एयरपोर्ट, अच्छा है इधर का, ठीक है सारा कुछ, यानी कि इतनी टेंशन नहीं हुई। बोर्डिंग भी हमारी इजीली होगी, अभी देखते हैं इधर। ये जी बोर्डिंग पास है हमारे। बस अब बैठ गए, अब प्लेन की तरफ जा रहे हैं हम। बादल आए, मौसम अच्छा हो गया और ठंडा मौसम छोड़ के गर्मी में वापस आ रहे हैं। या बहुत अच्छा वेदर होता है सुबह टाइम, बस थोड़ी सी आज जैसे ट्राई करनी होती है, उसके बाद फिर मौसम वेदर बहुत अच्छा है। यानी कि वो नहीं कि अब आप 6 महीने गर्मी में ही रहना है, वो नहीं पाकिस्तान। अंदर से भी आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हमारे कैमरा बंद हो जाएंगे। नहीं वैसे नेट बंद होगा, कैमरा तो बंद नहीं होगा। देखिए मेरा बोर्डिंग कार्ड किधर है? मैंने कहा मेरा बोर्डिंग कार्ड क्यों चला गया। हाँ जी, चले अब हम बैठने लगे सीट्स पे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया फ्लाइट का। बाय बाय ईरान, तेहरान। हम बस बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा, लेकिन वेदर बहुत मिस करेंगे हम लोग। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है, ठंडी हवा हर वक्त चलती रहती थी। और अभी भी जैसे कि आप देख रहे हैं बादल आए हैं, मौसम हम बहुत मिस करेंगे यहाँ का। ठंडक, मैंने भी वेलवेट का कोट पहना हुआ है, अभी इतनी सर्दी है यहाँ पे। और बर्फ़ तो अभी भी पहाड़ों में पड़ी हुई है, नज़र आ रही कि नहीं वो सामने। ये देखिए मोबाइल का भी वो अभी दिखाती हूँ आपको। हमारी खिड़की इतनी साफ़ नहीं है तो इसीलिए पता नहीं इतना साफ नजर आएगा कि नहीं। हाँ जी चल गया, चल गया, भूख लगी था। हाँ भूख लगी। 7:13 हो गए, 15 मिनट पे उड़ जानी थी तो चल गया जहाज। हाँ रनवे पे जा रहा है। हमारा 24 घंटे का सफ़र था तेहरान से ज़हदान का, जो कि हमने 2 घंटे में किया। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बॉर्डर यानी कि यहाँ से बॉर्डर 15-20 मिनट पे है और हम अब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान और ये 2 भाई हमारे साथ टैक्सी में ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे सवारियों के हिसाब से जाती हैं टैक्सियाँ, तो इन्होंने भी पाकिस्तान ही जाना है। बस हम अपने बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अब आफ्टर बॉर्डर की तरफ, तो होपफुली यहाँ से तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे यहाँ से आफ्टर बॉर्डर पे, तो फिर वहाँ से इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके तो फिर हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे बस। वॉकिंग के लिए अच्छा है, रहने के लिए भी अच्छा है, होटलिंग और सब कुछ ठीक है। हाँ पाकिस्तान आ गई मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी अभी हम इधर गाड़ी का कुछ थोड़ा सा मसला हो गया, चल नहीं हुई शायद कोई, आई डोंट नो क्या मसला है। ये हम मेन रोड पे हैं अभी भी, तकरीबन यहाँ से कोई 300-325 किलोमीटर जो है रास्ता है इधर। तो चलें आपको दिखाते हैं अभी ज़रा। कह रहे गाड़ी ठीक हो गई, ये कह रहे गाड़ी ठीक हो गई, ये सारा खाली रोड अच्छी है लेकिन कह रहे हैं गाड़ी ठीक हो गई। चलें आगे चलते हैं अब ज़रा, अल्लाह खैर करे गाड़ी तो होगी। बस अब हम ज़रा वॉशरूम करने आए थे तो देखा हुआ है सारा, अल्लाह खैर करे। बस निकल रहे हैं अभी इधर से हम जल्दी जल्दी, बस कुछ नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी 2 मिनट रुकी थी, हमने कहा ज़रा वॉशरूम कर लें, वॉशरूम करके तो बस जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने करते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है इस इलाके में, लाइट शाइट कुछ नहीं होती, बस चेक पोस्ट ही आती हैं आदमी। ये है जी कौन सा प्रिंस रोड है, ये कोयटा, हाँ कोयटा का प्रिंस रोड है। ये फेमस स्ट्रीट है इनकी, खाने वाने होटल सब कुछ आपको इधर से मिलेगा। ये सामने एक मरबा रेस्टोरेंट मरहबा, इसका भी खाना अच्छा है। अली असली ये रेस्टोरेंट नेमत वाले, इनसे हमने खाया भी, अच्छा टेस्ट। मुबारक वाले हैं, उनका भी रात को हमने खाना खाया था, अच्छा टेस्ट। तो ओवरऑल इधर ठीक है, सिचुएशन भी ठीक है, खाने पीने का भी बहुत ठीक है, सब कुछ यानी क्या है। ये चने, ये हलवा पूरी आपको सारी कुछ मिलेगी। बस ये कि पूरी लहदा, चने लहदा और हलवा लहदा, लेकिन ये कि बाकी सब ठीक है, मामला ठीक है सारा। ये मोबाइल की शॉप वगैरह है, यहीं से आपको आपकी ट्रेन भी नज़दीक है, आपकी बस वाला स्टैंड वो भी नज़दीक है, सारी चीज़ें आपकी एक्सेस आराम से हो जाती है सारी। ये जी तेरा सुबह सुबह एक बार फिर नाश्ता करने लगे। ये अंडा बनवा रही है और बारीक पराठा बिल्कुल बारीक सा बनवा रही है। क्या मिर्च? अच्छा, एन देखो मिर्च, नमक वाला बनाना, मिर्ची नहीं पड़ी, मिर्ची नहीं कह रहा है, हरी वाला बना, हरी है, हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी 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 मिर्च। बाय बाय कोयटा, हम जा रहे हैं वापस अपने घर लाहौर। यहाँ पे मैंने देखा है कि कोयटा में कोई भी ये जो घर है या इमारत है कोई ऊंची नहीं है, छोटी छोटी बनी हुई है। जितनी आप ये देख रहे हैं ना, सिर्फ इतने इतने घर हैं और इतनी इतनी शॉप्स हैं, कोई ऊंचे ऊंचे घर नहीं है और मिट्टी के बने हैं सारे। ये देखें, इधर रात हो गई है, शाम हो गई है और इधर रोशनी है। ये यहाँ से जी है पंजाब की रोड देखा, ये हमारा चेक पोस्ट से पीछे जो है बलूचिस्तान ख़त्म हो गया था। ये जी लाहौर हम पहुँच गए, रात में काफ़ी चीज़ें हुई लेकिन हम सोए रहे नहीं, हम वीडियो बना सके इसकी। सानिया एक्सप्रेस आ गए और ये देखें देखो रोकची हमें कैसे ऊपर पड़ा हुआ है, उदासी सी हुआ था और कैमरे टीम लगा रहे थे। कौन मामू? ये जी हम जो थोड़ी सी चीजें लेके आए अब डिवाइड हो रही है सबकी। ये आप दही में डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका, रायते का। एंड ये राइस वगैरह जब बनाते हैं तो राइस में डालते हैं। तो ये उधर की बड़ी कुछ ऐसी चीज़ है, इसमें गिरी, हाँ गिरी ही निकलती, मूँगफली टाइप कुछ निकलता है। एंड ये बाकी छोटी छोटी चीज़ें सारी।